हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की भी ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है। सवाल ये है कि क्या मल्टी सेलेक्शन भी कर सकते हैं, क्या फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं या नहीं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग हमें जहां लगाना है उसको मैं पूरा यहां से बोल्ड कर देता हूं। पहले मान लीजिए यही फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। यहां पे इसका कलर रेड कर देता हूं, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करनी है, और यहां पे देख सकते हैं इन दोनों पर बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से बॉर्डर हटा देता हूं। तो यहां पर जाएंगे हम और यहां से नो बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर हट जाएगा। यहां से भी बॉर्डर हटा देता हूं। तो ये दोनों अलग अलग शीट्स पे रखी हुई है, देख सकते हैं आप, दोनों ही अलग अलग शीट पे हैं। तो यहां से इसमें भी बॉर्डर में हटा देता हूं। तो ये दोनों ही में बॉर्डर नहीं है, यहां पर ये बोल्ड है और रेड कलर में है और बॉर्डर भी लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बोल्ड है, रेड कलर में है और बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो इसी की फॉर्मेटिंग को आप करेंगे कॉपी। तो अगर हम सिर्फ एक बार इस पे क्लिक करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया है, जैसे यहां पे गए क्लिक किया और यहां शीट टू पे आए। अब यहां पर जैसे ही इसको चलाएंगे आप, मान लीजिए इतना ही चलाया, तो ये पूछ रहा है कि क्या करना है, तो इसको कर दिया हमने। अब यहां पर देखिए फॉर्मेट पेंटर वाला जो बटन आता था, जो एक ब्रश बन जाता था, वो गायब हो गया। तो मल्टी सेलेक्शन तो नहीं पॉसिबल है। मल्टी सेलेक्शन कैसे पॉसिबल होगा? मल्टी सेलेक्शन को करने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है और यहां पर दो बार क्लिक करना है। दो बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये दो बार क्लिक करने के बाद आप आइए यहां पर और इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये कर लिया, इतना मान लीजिए कर लिया पहली बार में, यस कर दीजिए, ये हो गया कॉपी पूरा फॉर्मेट, ठीक है। फिर आप इस पे आइए, इसको भी कर लीजिए। अगर कहीं और भी जाना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं।